बड़ी ईद का बड़ा तोहफा आज हमारे किचन में बनी है बहुत ही ज़बरदस्त सी बारबेक्यू सीख कबाब बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ीक दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनी है बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी सीख कबाब बिरयानी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी सीख कबाब बिरयानी बन के तैयार हो गई है। इस वीडियो में आपको कबाब भी बनाना सिखाएँगे, बिरयानी भी बनाना सिखाएंगे और साथ में बहुत ही स्पाइसी सी चटनी की रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी ईद स्पेशल रेसिपी। आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू सीख कबाब बिरयानी और साथ में बनाएंगे बहुत ही स्पाइसी सी चटनी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए बारबेक्यू सीख कबाब बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम कबाब बनाएंगे। तो कबाब बनाने के लिए मैंने कीमा लिया बारीक जाली से निकला हुआ, आधा किलो बड़ा चर्बी वाला। जो आप बाजार में सीख कबाब खाते हैं उसके अंदर भी चर्बी होती है लेकिन आपको नजर नहीं आती, ठीक है। तो चर्बी वाला कीमा हो गया आधा किलो। ये जो आपको पेस्ट नजर आ रहा है, 3 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 3 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है। और एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसको भी मैंने ब्लेंडर में शामिल करके तो इनका पेस्ट बना लिया। कोशिश करनी है कि पेस्ट के अंदर पानी बिल्कुल कम हो। और जो इसके अंदर मसाले जाएंगे वो यूं हैं, आधा कप मैंने लिया है भुने हुए चने का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी। मिर्च मसाला आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हम कीमे में शामिल कर देंगे प्याज का, लहसुन का, अदरक का और हरी मिर्च का पेस्ट और ये मसाले, और अच्छी तरह हाथ से इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए हाथ से मैंने अच्छी तरह कीमे को मिक्स कर दिया है। अब बनाते हैं इसके कबाब। देखिए एक मैंने सीख ली है और एक मैंने ट्रे ली है ओवन वाली, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे कबाब। थोड़ा सा कीमा हाथ में लेंगे और सीख के ऊपर इस तरह कीमे को लगा लेंगे। और इसको निकाल लेना इस तरह, ठीक है, रखते जाना है। इसी तरह हम एक और बना लेता हूँ। हम बड़े बनाएंगे, अगर आपको छोटे पसंद है तो छोटे भी बना सकते हैं। इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं सारे कबाब बना लेता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। चलते हैं किचन में तो आपको बताते हैं कि इनको बनाना कैसे है। देखिए किचन में हम आ गए हैं। एक पुराना मैंने तवा लिया था, उसके ऊपर मैंने 2 कप भर के नमक गर्म होने के लिए बिछा दिया था। नमक गर्म हो गया, अब आपने ट्रे लेनी है और इसको ऊपर से ऐसे इसके रख देना है। आप पतीले के अंदर भी इनको बना सकते हैं लेकिन मैं तवे के ऊपर बनाता हूँ, बहुत जबरदस्त बनते हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको ऊपर से कवर कर देना है 20 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल आपने मीडियम रखनी है। इसी तरह आप पतीले के अंदर भी बना सकते हैं नमक बिछा के। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 20 मिनट बाद। तो इसके साथ जो हमने बनानी है बिरयानी, उसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, इनको मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया। 2 टेबलस्पून मैंने कटी हुई हरी मिर्च ली है और 2 टेबलस्पून लहसुन। अब हम इसमें शामिल करते हैं आधा कप कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें शामिल करते हैं 3 अदद बादियान के फूल, 3 दालचीनी की स्टिक छोटी और 4 अदद टेस्ट पत्ते। फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर प्याज को और लहसुन को और हरी मिर्च को हमने गोल्डन करना है। ये देखें प्याज को और लहसुन को हरी मिर्च को हमने गोल्डन कर लिया लाइट सा। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 2 टेबलस्पून कद्दूकस की हुई अदरक।
और साथ में इसमें शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया है, और 2 चिकन क्यूब्स लिए हैं। इसको और मजेदार करने के लिए 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची। अब हम इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा पानी। मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे जब तक के टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। और नमक हमने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि हमने चिकन क्यूब्स इस्तेमाल किए हैं, तो नमक की जरूरत नहीं है। चिकन क्यूब्स के अंदर नमक पहले से होता है। ये देखें, मसाला हमने अच्छी तरह भून लिया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। ये देखें, मिक्स करते हैं इसको। अब हम मसाले के ऊपर शामिल करेंगे उबले हुए चावल। ये देखें, चावल मैंने लिए थे 1/2 किलो बासमती राइस, इनको मैंने 1/2 घंटा पहले अच्छी तरह धो के तो भिगो के रख दिया था, और अभी मैंने इनको 90% उबाल लिया है और 10% छोड़ दिया है। इसी तरह के आपके भी खिले खिले चावल होने चाहिए, और मसाले में थोड़ा सा पानी होना चाहिए क्योंकि नीचे से स्टीम बनेगी और मसाला आपका जल सकता है, ठीक है, ये ज़रूरी बात है। और पानी के अंदर मैंने शामिल किया था 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबलस्पून नमक, और 90% चावलों को मैंने उबाल लिया। ये देखिए, सारे चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून जर्दे का कलर, करते हैं 1/2 कप किशमिश। बहुत ही मसालेदार ये बिरयानी बनती है। और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। इसको लगा देंगे दम स्लो फ्लेम के ऊपर सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो इसके साथ जो हमने चटनी सर्व करनी है उसकी रेसिपी आप बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए चॉपर मैंने लिया है। चॉपर में शामिल करेंगे थोड़ा सा प्याज 1 टेबलस्पून, पुदीना, 2 हरी मिर्च ली थी मैंने छोटी वाली तेज वाली, ये शामिल कर देंगे, और चाट मसाला 1 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सफेद सिरका, और इसको बंद करते हैं। ये देखें, ये हो गई है। अब इसमें 1 कप भर के दही शामिल करेंगे। चोपर में बहुत जबरदस्त सी चटनी बनती है, जरूर इसमें बनाइएगा। फिर से इसको बंद करते हैं। देखिए 20 मिनट हो गए हैं, देखिए कितने जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीख कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको करते हैं डिश आउट और कोयले का धुआं देते हैं। अब हम सीख कबाब को कोयले का धुआं देंगे बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए। तो थोड़ा सा ऊपर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखें, 5 मिनट हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है बारबेक्यू। जी देखिए, कितने ज़बरदस्त हमारे सीख कबाब बन के तैयार हो गए हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर आप इनको तवे के ऊपर नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, इसी तरह आप इनको पतीले के अंदर बना सकते हैं जिसका मुँह खुला हो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी भी बन के तैयार हो गई है। कबाब और बिरयानी और चटनी, तीनों रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ीक दुनिया रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घरवाल का ख्याल रखें, मुझे तो हम याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फन के साथ। अल्लाह हाफिज़।